सो गाइस एक्चुअली हो क्या गया कि यार अपनी गाड़ी ना यार गूंगी हो चुकी है, बोल नहीं पा रही है, हॉर्न साउंड नहीं कर रहा। और यार कभी आप ट्राई करके देखना यार कि बिना हॉर्न के ना गाड़ी चलाने की कोशिश करना यार रोड पे, यार इतनी दिक्कत होती है ना, इतनी दिक्कत होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि गाड़ी की मतलब प्रेजेंस ही गायब हो गई है रोड से। मतलब यार चलाने में बड़ी डिफिकल्टी होती है यार, किसी को हॉर्न देना है, पता चला हॉर्न बजा रहे हैं बट लेकिन वो बज ही नहीं रहा है। इसलिए चलते हैं देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो गाइज, मैं हूँ अंकित कुमार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज आज ना थोड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हुआ है आज। तो भैया हुआ है कुछ ऐसा कि यार आज ना जब मैंने 2-3 दिन पहले गाड़ी खड़ी करी थी तब उसका हॉर्न बिल्कुल सही से बज रहा था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज जैसे ही मैं गाड़ी उठा के थोड़ा काम से निकला हूँ तो ये देखो ये मेरा मतलब हॉर्न बज ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मैंने चाबी भी ऑन करके देखी है, कई बार ट्राई किया और फिर ये हॉर्न जो है वो बजने का नाम नहीं ले रहा। अब पता है दिक्कत क्या है कि मैंने जब 2-3 दिन पहले खड़ी करी थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी हॉर्न में, मतलब ऐसा भी नहीं था कि या तो जैसे कि कार में हालांकि आपको पता होगा कि 2 हॉर्न रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं था यार कि मतलब एक हॉर्न बज रहा है या थोड़ी मतलब ख़राब होने की हॉर्न की आवाज़ नहीं आती है कि जैसे वो साउंड कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल ओके वर्क कर रहा था। और अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ है कि बारिश भी हुई थी थोड़ी, बारिश में भी भीगी गाड़ी बाहर खड़ी रही और पता नहीं क्या हुआ अचानक से ही हॉर्न नहीं बज रहा। तो फिर मैंने सोचा यार अभी तो लॉकडाउन भी लगा हुआ था तो जिसकी वजह से मैं गैरेज वगैरह नहीं जा पाया। फिर मुझे ध्यान आया कि यार मुझे इसका फ्यूज़ बॉक्स चेक करना चाहिए। पता नहीं कैसे मेरे माइंड में स्ट्राइक करा, लेकिन हुआ क्या था पिछली बार जब मेरी पास पिछली गाड़ी थी तो उसमें भी ऐसे ही अचानक से उसके हेडलाइट्स नहीं जल रहे थे, तो मैंने उसका फ्यूज़ देखा था तो उसका फ्यूज़ उड़ा हुआ था तो इसकी वजह से वो नहीं जल रही थी। तो मैंने सोचा इसमें भी लाओ फ्यूज़, यार ढूंढते हैं यार फ्यूज़ बॉक्स कहाँ यार। तो मुझे हालाँकि जो मेरी पिछली गाड़ी थी उसमें मैं दिखाऊँ आपको फ्यूज़ बॉक्स ना कुछ यहाँ पर था, तो मैंने इसे खोल के देखा यार कि फ्यूज़ बॉक्स मिल जाएगा, लेकिन ये जो फ्यूज़ है यहाँ पे भी फ्यूज़ लगे हुए हैं लेकिन जो मेरे प्रॉपरली हॉर्न का मतलब फ्यूज़ मुझे ढूंढना है वो नहीं मिला। और वो ढूंढना कैसे, मैंने जैसे आपने ये देखा ये मैंने निकाला तो इसके ऊपर मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे कहीं भी ना हॉर्न का स्विच नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं यार बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि यार क्या करूँ यार हॉर्न का स्विच भी नहीं मिल रहा है ये वो। फिर मैंने फिर चलिए चलता हूँ आपको दिखाता हूँ फिर क्या हुआ और फिर मैंने कैसे सोचा कि ये वीडियो बनाने के लिए। तो चलो यार बोनेट खोल के देखते हैं कि क्या समझ में आता है, कुछ समझ में आता है कि नहीं। पर बोनेट खोल के मैंने ना जब मैंने ढूंढा, मैंने बहुत देर ट्राई किया यार कि मुझे फ्यूज़ बॉक्स मिल जाए या हॉर्न वाला फ्यूज़ होता तो है मुझे इतना पता ज़रूर, बट लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। तो काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये दिखा, ये देख रहे हैं आप बैटरी के बगल में, इसका पोजीशन हर गाड़ी में थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन मैंने देखा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये फ्यूज़ बॉक्स खोलने का ट्राई करा। तो जैसे ही मैंने ये फ्यूज़ बॉक्स खोला ना तो मुझे यहाँ पे ये दिखे, आपको दिख रहे हैं फ्यूज़, तो यहाँ पे ये बहुत सारे फ्यूज़ मुझे दिखे। तो अब यार इसमें इतने पता तो चलता नहीं है कौन सा फ्यूज़ है, कौन सा किस चीज़ का फ्यूज़ है, तो वो जानने के लिए आप कभी भी फ्यूज़ वाला बॉक्स ओपन करेंगे ना तो आप देखेंगे ये देखिए ये इसके पीछे पूरा डिटेल्ड में दिया रहता है, ये देखिए। और ये आपका ये देखिए ये इसको पकड़ के निकालने के लिए दिया गया फ्यूज़ के लिए। और ये देखिए यहाँ पे आपका ना ये देखिए स्पेयर फ्यूज़ भी होते हैं कि अगर आपके कभी फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी गाइस मुझे ये मिल चुका था तो मैंने इसकी पोजीशन पहले देखी, मैंने देखा ये देखिए ढक्कन ऐसा लगा हुआ है तो बाकायदा मैंने ऐसे पलट के फिर देखने की कोशिश करी यार कौन सा वो बॉक्स है कौन सा किधर से है। तो मैंने ये देखी आपको पता कैसे लगाना, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पता लगाया, हालांकि लिखा रहता है ये देखिए हॉर्न का साइन बना हुआ है आपको यहाँ पे ये देखिए विजिबल होगा ये देखिए, तो ये हॉर्न का जो है वो साइन दिख रहा है बट लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है जानने में कि यार कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मैंने देखा क्या कि ये देखिए 40-40 के लगे हुए थे, तो ये देखिए यहाँ पे 40-40 इसके बाद 3 गैप हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो 1-2-3 गैप। उसके बाद जो है वो ऊपर ये दिख रहा है, उसके सेकंड जो है हॉर्न का दिख रहा था। तो यार ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं काम बनता है कि नहीं, वरना तो फिर जाएंगे ही मैकेनिक के पास।
तो इसको देखिए आप, मैं आपको निकालना भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पकड़ के आपको सिंपली ऐसे इसमें फंसाना है। और अरे निकल जा यार, तो ये देखिए ये निकल गया। अच्छा, अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये फ्यूज़ है या नहीं। आप इसको देख सकते हैं, पता नहीं कैमरे में इतना विजिबल है या नहीं। तो अभी मुझे हालांकि कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, बट फिर भी क्या है ना, करते हैं यार चेक, दूसरा लगा के चेक करते हैं कि देखते हैं काम बनती है, देखते हैं काम बनता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरा निकाला और पुराना वाला मेरा ये रखा हुआ है। तो आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, अलग अलग रखिएगा। तो अब लगा देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, ये सेट हो चुका है। चलिए चलते हैं कार के अंदर, देखते हैं बात बनी कि नहीं बनी। बन जा भाई, चालू हो जाना, बेइज्जती मत कराना। वाह, अरे ये देखिए, देखिए आप सुन पा रहे हैं, ये देखिए। अरे वाह यार, तो इसका मतलब क्या था कि वो मेरा फ्यूज़ ही ख़राब था। तो एक देख सकते हैं कि आप सिंपल से ट्रिक से कि कैसे, मतलब फ्यूज़ चेक करिए आप। अगर फ्यूज़ में, वैसे मुझे लगा ही था कि यही प्रॉब्लम होगी, मुझे मेन लग रहा था, क्योंकि जब मैंने गाड़ी खड़ी करी थी तब हॉर्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कोई खिर पिर कुछ उस टाइप का नहीं था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूज़ का ही प्रॉब्लम है। तो गाइस, होप कि आपको भी जानकारी मिली होगी। और कभी आप कोई चीज़ आपकी जल्दी अगर गाड़ी में ख़राब हो ना, तो आप एक बार फ्यूज़ चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइट नहीं जल रही है, या इंडिकेटर नहीं चल रहा है, या वाइपर नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे स्विचेस का स्विच दिए रहते हैं, फ्यूज़ दिए रहते हैं, तो आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया था, वो मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए, ये इसके ऊपर ना नंबर लिखे हुए हैं 10, 40। तो ये 10 एम्पियर का था, तो आप कोशिश करें कि वही लगाएं, जितने एम्पियर का लिखा हुआ है उतने ही एम्पियर का लगाएं। तो गाइस, ये था कुछ आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।